अगला चैप्टर रीजनिंग का है ना, ये है गणितीय तर्क शक्ति, मैथमेटिकल रीजनिंग, गणितीय तर्क शक्ति। पहला टाइप लिखते इसमें, टाइप नंबर फर्स्ट, बंदर पर आधारित प्रश्न। आधारित प्रश्न हो गया है। अच्छा, इसको समझिएगा। कह रहा है एक बंदर 12 मीटर चिकना खंबा है, ये है 12 मीटर का खंबा हमारा, ठीक। 12 मीटर खंबे की ऊंचाई दिया। कह रहा है पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है ना, यानी पहला मिनट जो है उसमें 2 मीटर चढ़ जाता है ना, उसमें फिसलता उसलता नहीं है, 2 मीटर चढ़ गया तो चढ़ गया। फिर कह रहा है अगले मिनट में 1 मीटर फिसल जाता है, और अगला जो मिनट आएगा उसमें चढ़ेगा नहीं बल्कि फिसल के नीचे चला आ रहा है, ठीक। यानी 2 मिनट में कितना हो गया, 2 मिनट में चढ़ा, 2 मिनट में कितना चढ़ा है ना, तो 1 मीटर पहले में 1 मीटर चढ़ा था ना, 1 मीटर चढ़ा नहीं 2 मीटर चढ़ा, 2 मीटर चढ़ा पहले मिनट में, और दूसरे मिनट में इसके ऊपर नहीं जा रहा है, डाउन होके नीचे चला आ रहा है 1 मीटर पे, ऐसा समझ में इतना, ठीक। तो 2 मिनट, 2 मिनट में कितना चढ़ा, 1 ही मीटर चढ़ा ना, 1 मीटर चढ़ा। पहले मिनट क्या है, मतलब 1 मिनट ना। हां हां, पहला मिनट यानी पहले मिनट की बात कर रहा है ना, तो 1 मिनट तो पहला मिनट का हो गया। जैसे एक खंभा है ना, ये मान लीजिए 2 मीटर का खंभा है, केवल 2 मीटर का खंभा है, ठीक है ना, उसके ऊपर भी है लेकिन अभी 2 मीटर का विचार करते हैं, ठीक है ना। ये कह रहा पहले मीटर में 2 मीटर चढ़ता है, तो पहला मिनट हुआ 1 मिनट हो गया है ना, ये यहां तक चढ़ गया है, ठीक चढ़ गया है। अब जो अगला मिनट चालू होगा तो उसमें तो ये इसको ऊपर गया नहीं बल्कि घसक के चला आया यहां है ना, 1 मीटर घसक गया नीचे, ठीक। तो ये कितना हो गया टोटल, 1 मिनट ही, 1 मिनट ही 2 मिनट हो गया ना, 1 मिनट शुरुआत वाला जो चढ़ा था 2 मीटर, फिर अगले मिनट में वो छलांग मारा लेकिन चढ़ नहीं पाया, वो चला आया घसक के नीचे, तो कुल समय लगा उसको 2 मिनट, और चढ़ा कितना, 1 मीटर ना, 1 ही मीटर चढ़ा, ठीक। तो वही चीज कर रहा है, तो 2 मिनट में कितना चढ़ा, 1 मीटर चढ़ा, ठीक। अब यहां से एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब लास्ट का बात आएगा, जब चढ़ने की बात आएगी है ना, तो लास्ट वाला जब छलांग मारेगा तो वो पूरा का पूरा 2 मीटर चढ़ जाएगा, अब ऊपर उछलने के लिए कुछ रहा नहीं, तो घसकेगा भी नहीं है ना। जब लास्ट की बात आएगी तो लास्ट में जब शेष का 2 मीटर रह जाएगा तो वहां उछड़ेगा तो पूरा इसके शीर्ष पे चला जाएगा है ना, अब उछड़ने के लिए उसके पास रहा नहीं जगह कि वो घसकेगा, तो ध्यान रखिएगा 12 मीटर में से 2 मीटर माइनस कर देंगे है ना, तो अब लास्ट उसको चढ़ना कितना है, अब एक्चुअल में 10 मीटर चढ़ना है ना, ठीक है ना, तो इस 10 मीटर को चढ़ाएंगे, ठीक। तो 1 मीटर चढ़ने में 2 मिनट का समय लग रहा है, तो कितना हो गया, 10 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तब 10 मीटर होगा, तो 10 इधर मल्टीप्लाई करेंगे इधर होगा 10 मिनट में चढ़, ये कितना हो जाएगा 20 मिनट, तो 20 मिनट में कितना चढ़ेगा, 10 मीटर चढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 20 मीटर में, 20 मिनट में कहां चढ़ा, 10 मीटर तक चढ़ गया है, ठीक। अब छलांग मारेगा तो पूरा 12 मीटर इसका हो जाएगा
है ना, तो कितना समय लगेगा चढ़ने में, लगा समय तो कितना हो जाएगा 20 मिनट, वो आखिरी का 1 मिनट वो 21 मिनट। आया पूरा समझ में? इसमें करना क्या है, पहले जो है इसका जो शुरुआत का छलांग है उसमें से घटा लेंगे पूरी हाइट में से, हाइट में से घटाने के बाद फिर देखेंगे कि वो 2 मिनट में कितना चढ़ रहा है ना, तो 2 मीटर में तो पहले हम काम करेंगे इसी को चढ़ाएंगे है ना, फिर लास्ट वाला जाके जोड़ देंगे उसमें। आ रहा है समझ में ना? ऊपर से ना जाए, ऊपर से जाएगा तो बताइएगा। ये खंबा दिया है हमको 12 मीटर का, इसकी हाइट दे दिया है 12 मीटर, ठीक। तो पहला काम वो करेंगे कि पहले मिनट में कितना चढ़ता है ना, वो घटा लेंगे क्योंकि लास्ट वाला जो रहेगा वो चढ़ जाएगा, फिर उसके बाद धसकने के लिए बचेगा नहीं। तो ये कह रहा है कि 2 मीटर पहले मिनट में चढ़ता है ना, तो इसमें से 2 मीटर घटा लेंगे तो बचेगा कितना 10, यानी 10 मीटर ही हमको चढ़ाना है, ठीक। तो ये कह रहा है पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है ना, 1 मिनट में चढ़ा, तो ये कह रहा है 2 मीटर चढ़ता है और 1 मीटर फिसल जाता है, तो कितना चढ़ा एक्चुअल में, चढ़ा एक ही ना, 1 मीटर चढ़ा और हमको चढ़ाना कितना है 10 चढ़ाना है, तो 10 से इधर मल्टीप्लाई, तो 10 से इधर और मल्टीप्लाई, यानी 10 मिनट में कितना चढ़ा 10 मीटर चढ़ गया, ठीक है ना। और हाई लास्ट का आखिरी बचा है, अब यहां से छलांग मारेगा तो 2 मीटर चढ़ जाएगा, उसके बाद नहीं धसकेगा है ना। तो कितना हो गया लगा समय बराबर, तो 10 मिनट तो ही हो गया और 1 मिनट वो वाला, 10 से 11 समझ में, दिमाग से बाहर तो नहीं गया, जा रहा है तो बताइए। हो गया हो गया, तो ये हमारा दिया है पेड़ जो है 60 फीट का है, 60 फीट, ठीक। तो ये कह रहा है शुरुआत में 1 सेकेंड में 3 फीट चढ़ता है, तो हाई लास्ट वाला अंतिम वाला तो पहले चढ़ा दें इसको है ना, ये 3 फीट जो है लास्ट में चढ़ जाएगा, यहां से फिसलने को ना सवाल नहीं है। तो बचा कितना 57 बचा है ना, 57 फीट ही हमको चढ़ाना है, ठीक। तो ये कितना है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में चढ़ा, तो 1 सेकेंड में कितना चढ़ा 3, ये चढ़ रहा है 2 फिसल जा रहा है, तो कितना हो गया 1 ही फीट चढ़ा, ठीक। और ये है 57, तो 57 से इधर मल्टीप्लाई, 57 से इधर मल्टीप्लाई, यानी 57 सेकेंड में कितना चढ़ेगा, चढ़ेगा 57 फीट चढ़ जाएगा, ठीक। और लास्ट वाला जो है 1 सेकेंड में पूरा का पूरा 3 फीट चढ़ जाएगा, वहां से फिसले लगे, तो कितना हो गया लगा समय 57 ही प्लस 1 ही, कितना हो गया 58, 58। ऐसा समझ में आ गया? पहले तो ही घटा लेते हैं कितना 2 मीटर है, तो हमको चढ़ाना है 18 चढ़ाना, ठीक ना। तो ये कितना है 2 मिनट में, 2 मिनट का चढ़ाव,
तो ये कितना दो और माइनस वन कितना एक ही मीटर चढ़ेगा, और हाई पहले इसमें से माइनस करेंगे तो 18 पहिए को चढ़ा लेना है, लास्ट में चढ़ेगा तो उतरेगा नहीं, तो 18 चढ़ाना तो 18 से इधर मल्टीप्लाई का 18 से इधर 18 दुना के 36 मिनट हो गया, 36 मिनट में कितना चढ़ जाएगा ये 18 मीटर चढ़ जाएगा, ठीक ना। अब लास्ट में जब उछलेगा तो 2 मीटर उछल जाएगा, तो चढ़ने में लगा समय, लगा समय कितना हो गया, ये हो जाएगा 36 एक 37 मिनट, 36 प्लस 1 कितना हो गया 37 मिनट। यह हमारा खंबे की हाइट दिया है 20 मीटर, करा एक मिनट में 4 मीटर चढ़ता है, तो 4 इसमें से घटा लें, ठीक 4 घटा लिए तो बच गया कितना 16 चढ़ाना है, ठीक। तो एक मिनट में एक मिनट का चढ़ाव कितना हो गया 4 माइनस 2 यानी 2 मीटर चढ़ेगा, ठीक हाई वाला माइनस कर उसी मिनट का बात कर रहा ना, हाँ उसी मिनट का बात कर रहा है, ठीक। तो 16 चढ़ाना है तो इसको 16 बनाना है तो कैसा 8 से मल्टीप्लाई, इधर भी 8 से मल्टीप्लाई, तो 8 मिनट में कितना चढ़ेगा 16 मीटर चढ़ जाएगा, ठीक। तो लगा समय 8 प्लस 1 कितना 9 मिनट, इसका सेकेंड टाइम कॉल देखा जाएगा, एक एक दिन में एक एक टाइम, और 5-6 टाइप है इसमें, टाइम वाला है ना, हाँ ऊपर तक उसी में टाइप 2 लगेगा, टाइप 2 ठीक नहीं, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन थोड़ी है, अरे सोचना बताना, ये कह रहा है कि एक के जल की मात्रा प्रत्येक मिनट में, पीपा मतलब टोटी नहीं, पीपा का मतलब हाँ टंकी कह सकते हैं, टंकी मान सकते हैं उसको ना, प्रत्येक मिनट में 2 गुनी हो जाती है ना, जैसे एक मिनट में 1 लीटर भर रहा है ना, तो अगले मिनट में 2 लीटर, फिर अगले तीसरे मिनट में क्या होगा इसका डबल 4 लीटर, फिर इसका आठ लीटर जस्ट इसका डबल, फिर इसका 16 ठीक है ना, यानी जस्ट इसका देखेंगे तो इसके एक मिनट पहले का रहा होगा इसका आधा ना, इसका आधा ना है, फिर एक मिनट में इसका आधा, फिर एक मिनट पहले इसका आधा, ठीक। तो उसी तरह कर रहा है कि 60 मिनट में पीपा जो है पीपा पूर्ण रूप से भर जाता है, यही आंसर होगा, 60 मिनट में पूरा भर जाता है, तो जस्ट एक मिनट पहले है ना, ये 60 माइनस 1 एक मिनट जस्ट पहले पीपा का हो रहा होगा, पीपा आधा रहा होगा, हाफ रहा होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, आप पूछ रहे हैं कि आधा कब रहा होगा, तो आधा जो है
59 मिनट में रहा होगा, तब ना 60वां मिनट आया होगा, तब ना डबल रहा हुआ होगा। आए समझ में? ना हो रहा है ना। हाँ तो हम पीछे जा रहे हैं ना, आगे थोड़ी जा रहे हैं। जैसे ये कह रहा है 30 मिनट में टोकरी पूरी भरी है। सही है, टोकरी पूर्ण रूप से भरी है। ठीक, अब यहाँ इसी चीज को उल्टा करके सोचिए, कह रहा प्रत्येक मिनट में दो गुना हो जाती है, हर एक मिनट में आगे बढ़ेंगे तो दो गुना, अब पीछे जाएंगे तो जस्ट आधा ना? जैसे ना? जैसे 4 मिनट में पूरा भरा ना, पूर्ण रूप से भरा नहीं, जैसे मान लेते हैं 4/4 मिनट में इसको ऐसे कर दे 12 लीटर पानी भरा है ना, तो चौथे के बाद ऊपर जाएंगे 5वें में तो जस्ट इसका डबल होगा, 12 × 24 लीटर, फिर ऊपर जाएंगे पांचवे के चौथे पांचवे छठवे मिनट में जाएंगे तो 24 × 48 लीटर। ठीक, लेकिन पीछे आएंगे तीसरे मिनट में जस्ट इसका आधा 6 लीटर, दूसरे मिनट में आएंगे तो इसका आधा ना, तो आधा होता जा रहा है ना, वही चीज इसमें करेंगे। 30 मिनट में टोकरी पूर्ण रूप से भरी है तो 29 मिनट में आधा रहा होगा, हाफ रहा होगा, फिर 28 मिनट में इसका भी आधा, तो इसका आधा का मतलब 1/2 तो कितना हो जाएगा 1/4, यही पूछ रहा है 1/4 भाग कितने समय में रहा होगा, 28 मिनट पहले 1/4 रहा। आए समझ में? ओके, 30 मिनट में पूरा का पूरा भर जा रहा है ना, पूर्ण रूप से भरा है। उनतीसवें मिनट में कह रहा होगा आधा, आधा भाग, और यही हमसे पूछ रहा था। रखे गए फूल 2 मिनट बाद दोगुने हो जाते हैं, है ना? 2 मिनट बाद दोगुने, 2 मिनट बाद दोगुने हो जाते हैं। ठीक, और 20 मिनट में कह रहा है कि भर जाता है, 20 मिनट में टोकरी पूर्ण रूप से भरी है, पूर्ण रूप से भरी है ना, तो 2 मिनट में दुगुना हो रहा है, तो जस्ट इसके 2 मिनट पहले 18वें मिनट में कह रही होगी आधा, है ना, ये रही होगी आधा भाग। ठीक ना, हमसे क्या पूछा है कि 1/4 भाग कब भरी रही होगी ना, 1/4 भाग 18 मिनट में जस्ट 1/2 भाग भर गया, जस्ट इसके 2 मिनट और पहले आए तो इसका भी आधा रहा होगा, 1/2 × 1/2 भाग, तो ये कितना हो गया 1/4 भाग, और यही हमसे पूछा था कि 1/4 भाग कितने मिनट में भरी हुई, तो 16 मिनट। आगे तीन मिनट में दोगुना हो जाती है। ठीक, और आगे कह रहा है कि यदि टोकरी 50 मिनट में पूरा भर जाए ना, यानी 50 मिनट में पूर्ण रूप से भरी है, पूर्ण रूप से भरी है। ठीक, तो पूछ रहा है 1/8 भाग कब भरी रही होगी, तो जस्ट इसके 1 मिनट पहले यानी 49 मिनट में जस्ट आधा रहा होगा। ठीक, और जस्ट 48 मिनट में, तीन मिनट लेके चलना है, 3 मिनट इसमें कह रहा है 47 मिनट पहले ही 1/2 भाग रहा होगा, यानी आधा, इसके 3 मिनट पहले 45 मिनट में इसका भी आधा,
हाँ तीन घटाएंगे तो 44 हो जाएगा। 44 मिनट में इसका भी आधा रहा होगा यानी 1/4 भाग, ठीक। और इसमें इसके 3 मिनट पहले ये कितना हो गया 41 मिनट, 41 मिनट में ये कितना रहा होगा इसका भी आधा, तो 1/4 का आधा यानी 1/8 भाग। यही हमसे पूछा था 1/8 भाग कब भरा रहा होगा, तो 41 मिनट। टाइप तीसरा, तो पहले फार्मूला लिख लेते हैं फिर उसके बाद। चार पैरों वालों की संख्या, चार पैरों वालों की संख्या बराबर कुल पैर, पैर डिवाइडेड बाय टू और माइनस सिरो की संख्या। दो पैर वाले, दो पैर वालों की संख्या, सिरों की संख्या माइनस चार पैर वाले, पहला क्वेश्चन लिखते पहले बिना फार्मूला के, बाद में फार्मूला लगाएंगे, ठीक। हर चीज फार्मूला से नहीं सोचते ना। ई 77 तो है सिर की संख्या, तो सबको मुंडी इकट्ठ होता है ना, वो तो अपवाद है, भगवान जी को चट होता है, ठीक। आदमी को देख कर होता है। 77 हो है, तो 77 में इसमें बत्तख भी शामिल है बकरे भी शामिल, तो मान लेते हैं कि किसका निकालना, बत्तख का निकालना है, तो मान लेते हैं बत्तख की संख्या यक्ष्ट है, ठीक। तो बकरे कितने जाएंगे, 77 माइनस एक्स, ठीक हो गया। और एक बत्तख को क्या पैर, दो से मल्टीप्लाई कर दे इसमें, और एक बकरा को कैट पैर, चार से इसमें मल्टीप्लाई कर दे, है ना। तो ई दोनों को जोड़ देंगे तो कुल पैर हो जाएगा, है ना, यानी 2x प्लस ई 77 माइनस एक्स इंटू 4, ये कितना हो गया 224, ठीक। दूसरे इधर भी कट रहा है, दूसरे इधर भी कट रहा है, दूसरे उधर भी, दूसरे काट देते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा, इस 77 माइनस x ये हो जाएगा इनटू 2, ये हो जाएगा 1 1 2, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, x प्लस 7 दोनों के 14 154 हो जाएगा, i माइनस 2x बराबर 112, ठीक है। इसमें से घटा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स 154 बराबर 112, इसको उधर ले जाते हैं, तो x बराबर कितना हो गया 154 माइनस 112, तो ये कितना हो गया, ये 2 हो गया, ये हो गया 4, 42 हो। तो 42 किसका माने थे, बत्तख का माने थे x, तो बत्तख कितना हो गया 42, है ना। अब बकरा निकालना है, तो बकरा कितना हो गया, 77 में से 42 घटा देंगे तो ये कितना हो गया, ये हो गया 5, ये हो गया 3, ऐसे। और यदि फार्मूला से लगाना होगा तो फार्मूला करता है ये कि कुल पैर, ठीक, 224 और डिवाइडेड बाय 2 और माइनस 0 की संख्या, तो ये करेंगे तो 112 और माइनस 77 इसको घटाएंगे तो ये आएगा 35 ना, 35 आएगा। तो किसका, बकरा का, है ना, यानी चार पैर वाला, तो चार पैर वाला बकरा हुआ, बकरा की संख्या निकल गया।
बत्तख निकालना है, तो बत्तख तो सिरों की संख्या, सिरों की संख्या 77 माइनस 35 कर देंगे, ये आ जाएगा 42 बत्तख की संख्या। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं, चर रही हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 35 है, उनके सिरों की कुल संख्या 35 है, 35 है, तथा पैरों की कुल संख्या 90 है, तथा पैरों की कुल संख्या 90 है, 90 है, तो तोतों की संख्या कितनी होगी? तो तोतों की संख्या कितनी होगी? 25। ठीक है, 25। हो गया, कुल पैरों की संख्या दिया है 90, तो 90 डिवाइडेड बाय 2 माइनस कितना 35, तो ये डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो गया 45, 45 माइनस 35 ये कितना हो गया, ये हो गया 10, है ना। ये चार पैर वाला, चार पैर वाले का मतलब बकरी, बकरी, बकरी की संख्या 10 है ना, तो तोता कितना हो जाएगा, तोता हो जाएगा 35 माइनस 10 बराबर 25। आगे लिखिए, भेड़ तथा गडेरियों की एक समूह में, भेड़ तथा गडेरियों की एक समूह में, एक समूह में 16 पैर है, 16 पैर है, जो सिर से 10 अधिक है, जो सिर से 10 अधिक है, इनमें भेड़ों की संख्या क्या होगी? दो। 16 पैर, यानी पैरों की संख्या 16 दिया है, पैर कितने हो गए, पैर हो गए 16, और सिर के बारे में कह रहा है कि सिर जो है इससे का कहा था 10 अधिक है, तो इसमें जोड़ देंगे 10 तो कितना हो जाएगा, 16 प्लस 10 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 26, 26 हो जाएगा। इसमें किस कौन कौन लिखते थे, भेड़ था और गडेरिया था, माइनस करेंगे, पैर की संख्या सिर की संख्या से 10 अधिक है ये बोला था ना, तो ये कितना हो जाएगा, इस सिरों की संख्या 6, वही हम कह रहे हैं कि सिर की संख्या पैर की संख्या से ज्यादा कैसे हो ना, तो हमसे पूछा है भेड़ों की संख्या पूछा है, यानी चार पैर वालों की संख्या पूछा है, भेड़ों की संख्या, तो ये कितना हो गया 16 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 6, ये 8 माइनस 6 बराबर 2। आगे लिखिए एक सवाल इसका आखिरी, कुछ संख्या में घोड़े तथा उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं, ये कह रहा है कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहा है, यानी घोड़ा की संख्या जितना है
उतना ही संख्या आदमी का। तो माना घोड़ा बराबर x, तो आदमी कितना हो जाएगा, आदमी हो जाएगा x, है ना। घोड़ों के पैरों की संख्या तो एक घोड़ा को चार पैर होता है तो चार से मल्टीप्लाई, है ना। आदमी के पैरों की संख्या तो आदमी तो आधे घोड़े पे बैठे हैं ना। हाँ, तो रुक जाइए, तो पहले पैर बात निकाल लेते दीजिए, है ना। दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, आदमी के कुल पैरों की संख्या होगी, ठीक। अब ये कह रहा है कि आधे आदमी जो है अपने घोड़े पे बैठे हैं, ठीक। तो पैरों आधा हो जाएगा आदमी का, ठीक, लेकिन घोड़ा का पैर पूरा का पूरा रहेगा। ये हो गया 4x प्लस 2x अपॉन 2, ठीक। और ये टोटल पैरों की संख्या दिया है 70, ठीक। तो कितना आ जाएगा 4x प्लस x बराबर 70, तो ये हो गया 5x बराबर 70, तो x बराबर 70 डिवाइडेड बाय 5 14, तो x बराबर 14, यानी घोड़ा कितना हो गया 14, आदमी कितना हो गया 14। फॉर्मूला करेंगे।